देखिए ये तो बात हो गई प्यार की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये लगातार हर किसी के मन में कल से था कि आखिर रतन टाटा के बाद फिर कौन जिम्मेदारी संभालेगा। कहने को तो दोनों भाई हैं, लेकिन इनके कामकाज और व्यवहार में काफी अंतर है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। वो कहते हैं ना कि जो जन्मा है उसका अंत तय है जन्म के साथ ही, तो चाहे वो रतन टाटा ही क्यों ना हो। रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जितना प्यार रतन टाटा को इस दुनिया से मिला है शायद ही किसी और उद्योगपति को या बिजनेसमैन को मिला हो या आगे मिले। देखिए ये तो बात हो गई प्यार की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये लगातार हर किसी के मन में कल से था कि आखिर रतन टाटा के बाद फिर कौन जिम्मेदारी संभालेगा। तो इंतजार की घड़ी आज दोपहर में ही खत्म हो गई थी कि आखिर कौन जो है वो इस जिम्मेदारी पर बैठेगा, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। तो वो नाम भी सामने आ चुका है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन वो कौन है, क्या है, क्या संबंध थे उनके रतन टाटा से, किस तरीके से वो टाटा समूह के साथ जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, इस पूरे एपिसोड में वो आप जानेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है बिजनेस के हिसाब से भी, और जो रतन टाटा को बहुत सम्मान और स्नेह करता था उसके लिए भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी जानकारी ज़रूर देखें और सुने, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। रतन टाटा के जाने के बाद टाटा समूह की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुन लिया गया है। कहने को तो दोनों भाई हैं, लेकिन इनके कामकाज और व्यवहार में काफ़ी अंतर है। नोएल टाटा, रतन टाटा दोनों ही एक ही पिता के संतान हैं, जबकि दोनों की माताएं अलग अलग हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि नोएल टाटा और रतन टाटा आपस में सौतेले भाई हैं। ऐसा नहीं है कि नोएल टाटा बिजनेस की फील्ड में नए हैं, अभी उनके कंधों पर टाटा समूह की 5 कंपनियों की जिम्मेदारियां हैं। दरअसल टाटा ट्रस्ट ने शुक्रवार को ही सर्वसम्मति से नोएल टाटा को अपना चेयरमैन चुन लिया। नोएल टाटा के पिता का नाम नवल एच टाटा और माता का नाम सिमोन एन टाटा है। आपको बता दें कि रतन टाटा की माता का नाम सुनी टाटा था, जबकि उनके पिता नवल एच टाटा ही थे। रतन टाटा के सगे भाई का नाम है जिमी टाटा, और बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी अपने बड़े भाई की तरह शादी ही नहीं की। नोएल टाटा की कार्यशैली की बात करें तो वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। वो पिछले 40 साल से टाटा समूह में सक्रिय हैं और समूह की कई कंपनियों में अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। तो आइए जानते हैं नोएल टाटा के बारे में। नोएल टाटा का जन्म 1957 में हुआ था और वो एक भारतीय मूल के आयरिश आयरलैंड के व्यवसायी हैं। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उनकी शुरुआती जीवन की बात करें तो उन्होंने अपनी स्नातक तक की पढ़ाई सक्सेस विश्वविद्यालय से की है और उसके बाद की पढ़ाई फ्रांस से की। नोएल ने अपने करियर की शुरुआत टाटा इंटरनेशनल से की, जो विदेशों में पेश किए जाने वाले उत्पाद और सेवाओं के लिए टाटा समूह की कंपनी है। अभी फिलहाल वो ट्रेंट टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन टाटा इंटरनेशनल के प्रबंधक निदेशक, टाइटन कंपनी टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। टाटा समूह की कई कंपनियों की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की 66% हिस्सेदारी भी उनके पास है। वो टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में भी हैं। तो आइए जानते हैं नोएल टाटा को आखिरकार क्यों चेयरमैन चुना गया है। रतन टाटा आजीवन अविवाहित रहे, यानी कि उन्होंने शादी नहीं की, उनका कोई वारिस भी नहीं है। उनके छोटे भाई जिमी टाटा भी पूरी ज़िंदगी उन्होंने भी शादी नहीं की है और वो कहीं ना कहीं इस चमक धमक से या दिखावे से बहुत दूर मुंबई में एक फ्लैट में रहते हैं। हालांकि वो भी टाटा समूह में हिस्सेदारी रखते हैं। जिमी ने भी शादी नहीं की है, इसलिए उनका कोई भी वारिस, कोई भी औलाद नहीं है। नोएल टाटा चेयरमैन के पद के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार इसलिए साबित हुए क्योंकि वो समूह की कई कंपनियों में भागीदारी रखते हैं, तो ऑब्वियस है, और अन्य सदस्यों की तुलना में ज़्यादा सक्रिय भी हैं। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी समूह के अन्य कंपनियों में काम करते हैं और उनके बच्चे लिहा, माया और नेविल भी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नोएल टाटा इस समूह से बाहर काम कर रहे थे, पिछले 40 सालों से नोएल टाटा भी टाटा समूह के साथ ही जुड़े हुए हैं। टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाए जाने से पहले उनके कंधों पर टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की कमान थी। नोएल इन तीनों ही कंपनियों के चेयरमैन हैं। इसके अलावा वे टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन भी हैं। दिवंगत रतन टाटा और नोएल टाटा में भले ही एक ही पिता का खून है, लेकिन दोनों के काम करने का अंदाज एकदम अलग है। रतन टाटा जहां फ्रंट पर आकर कंपनी की कमान संभालते थे और हर फैसले में उनकी सक्रिय
भूमिका रहती थी। वहीं नोएल टाटा चुपचाप पर्दे के पीछे से काम करते थे। उनकी पब्लिक में जो उपस्थिति थी, या ये कहें कि पब्लिक के सामने वो कम ही आते थे। साल 1998 की बात है जब उन्होंने ट्रेंट का MD उन्हें बनाया गया था, तो इसका सिर्फ एक ही स्टोकर भारत में था और आज देश भर में इसके 700 स्टोर खुल चुके हैं। आप सोचिए, नोएल टाटा को इस बात के लिए जाना जाता है कि उन्होंने टाटा समूह का नाम दुनिया में फैलाने में काम किया, और ये बिल्कुल सच है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह की रिटेल बिजनेस की ग्लोबल पहुंच काफ़ी बेहतर हुई है। ट्रेंड के MD बनाए जाने के बाद नोएल ने इस कंपनी को 2.8 लाख करोड़ रुपए का ब्रांड बना दिया। इतना ही नहीं, टाटा इंटरनेशनल को भी उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए से उठाकर 24,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि नोएल टाटा को ट्रस्ट का चेयरमैन बनाने का फैसला आंख बंद करके या किसी मजबूरी में लिया गया हो, ऐसा भी नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। इसकी तैयारी साल 2019 से ही शुरू हो गई थी, जब उनके सर रतन टाटा ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी ज्वाइन उन्होंने कर लिया था। इतना ही नहीं, नोएल को सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में भी साल 2022 में शामिल कर लिया गया था। यहीं से उनके भविष्य में ट्रस्ट में लीडरशिप पोजीशन में आने का रास्ता भी खुल गया था। टाटा फैमिली की विरासत करीब 200 साल पुरानी है। जाहिर है कितने लंबे वक्त से कई पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी और आपके मन में टाटा फैमिली की वंशावली को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल रहे होंगे। उत्सुकता रहती है हर किसी के मन में कि वो कहां से आए, कौन थे, कौन किसका बेटा है, कौन किसका वंशज है, तमाम चीज़ें हैं। तो हम आपको बता देते हैं, हम आपको एक नज़र में पूरी टाटा फैमिली की सही लाइन समझा रहे हैं। कैसे जमशेद जी टाटा से लेकर नोएल टाटा तक ये विरासत आगे बढ़ी है। टाटा फैमिली के पहले व्यक्ति नसरवानजी टाटा को माना जाता है। वे एक पारसी पुजारी थे और पहली बार बिजनेस उन्होंने ही शुरू किया था। जमशेद जी टाटा को टाटा समूह का संस्थापक माना जाता है, जिनकी शुरुआत 1868 में की। जमशेद जी टाटा के बड़े बेटे दुराबजी टाटा ने उनके बाद कमान संभाली। उनके छोटे बेटे का नाम है रतनजी टाटा, जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। रतनजी टाटा की एक संतान थी GRD टाटा, उन्होंने भी कई साल समूह की कमान संभाली। रतनजी टाटा एक बच्चे को गोद भी लेकर आए थे, जिसका नाम था नवल टाटा। नवल टाटा की पहली पत्नी सुनी ने दो बच्चे उनका जन्म हुआ, जिसमें से एक रतन टाटा और दूसरे जिमी टाटा। उनकी दूसरी पत्नी सिमोन की संतान है नोएल टाटा, जो कि अब ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं। नोएल टाटा ने आलू मिस्त्री से शादी की है और उनकी 3 संतानें निवाइल, लिया और माया हैं, जो अभी टाटा समूह की अलग अलग कंपनियों में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि नोएल टाटा टाटा ग्रुप के लिए कितना अच्छा करते हैं और रतन टाटा की तरह नोएल भी टाटा की विरासत को कितनी आगे लेकर जाते हैं।